नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने आया हूँ। अभी जो एक क्लरिकल पोस्ट है या टाइपिंग वाले बच्चों के लिए है, उनमें लगातार बहुत अच्छी वैकेंसीज आती जा रही हैं। और अलग अलग अगर आप देखोगे कि जब से एनटीए ने कमांड संभाला है, तब से लगभग हर यूनिवर्सिटीज के जो क्लरिकल पोस्ट होते हैं, उनकी वैकेंसीज आपको दिखाई पड़ रही है। पहले ये वैकेंसीज आपको पता ही नहीं चलती थी। अभी एक ऐसी बहुत अच्छी जो वैकेंसी है वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी की है। इसमें तमाम ग्रेड लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी, मतलब ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, चारों ही तरीके जो ग्रुप हैं उन सभी की वैकेंसीज हैं, जिसमें ग्रुप सी की सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसका इंतजार आप सभी को सबसे ज्यादा रहता है। और मैं ये बोलूँ कि जो टाइपिंग वाले बच्चे हैं उनको जो सबसे ज्यादा इंतजार रहता है वो ऐसी वैकेंसीज का रहता है। तो कहीं ना कहीं एनटीए बनने के बाद से बहुत ज्यादा फायदा आपको मिला ही है। अभी इससे पहले आप देखोगे तो इग्नू जैसे हुआ, इससे पहले आप देखोगे जेएनयू हुआ, अब ऐसे विश्व भारती जो शांति निकेतन के अंतर्गत बनी यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था, वो उसमें बहुत अच्छी वैकेंसीज निकली है। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे अपडेट करने वाला हूँ एक एक करके। यहाँ पे हम लोग देखते जाएंगे कि आखिर ये है क्या। तो इस वैकेंसी को अगर हम डिटेल में देखें, ये आपने अगर नहीं देखा है तो मैं अच्छे से बता दूं, विश्व भारती शांति निकेतन यूनिवर्सिटी है। ये 2023 का इसका पहला यूनिवर्सिटी है, पहला एडवर्टीजमेंट है। इससे पहले भी 2019, 20, 21, 22, इवन 22 में भी इसके लिए पद अधियाचित हुए थे और वहां पे वैकेंसीज निकालने की बात हुई थी, लेकिन तब समस्या ये थी कि वो कंप्लीट नहीं हो पाई वैकेंसी, और जो पहले की वैकेंसी थी वो निरस्त कर दी गई है। इसमें ये बात डिटेल में दी गई है। और अब बच्चे फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं। टोटल कितने पोस्ट हैं उस चीज को देखें। इसमें ग्रुप ए लेवल 2 से लेकर लेवल 14 तक पूरा गया है, ग्रुप ए। उसके बाद देखा जाए तो ग्रुप बी की वैकेंसीज, ग्रुप सी की वैकेंसीज, और ये ग्रुप ए बी सी कुल मिलाकर 3 ग्रुप की वैकेंसीज हैं। टोटल 709 टेंटेटिव वैकेंसी है, इस बात को आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 709 टेंटेटिव वैकेंसी। और ये वैकेंसीज कम नहीं होती है अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए। और इसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो किस चीज की वैकेंसी है, अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। जैसे अभी आप यहाँ पे आओगे, जूनियर असिस्टेंट है ना, जूनियर असिस्टेंट के जो सबसे ज्यादा पद है ग्रुप सी वाले में, उनके वैकेंसीज करीबन 400 की संख्या में, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है वो 405 की संख्या में है। और जो एलडीसी होते हैं या जेएटी, जैसे आपने देखा होगा कि जेएनयू में जेएटी का आया था, इग्नू में जेएटी का आया था, वैसे ही यहाँ पे 99 पद इसमें भी है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ का 405 पद है। मतलब अगर आप देखो तो लगभग 500, 700 पद में लगभग 500 पद जो है वो आपके ग्रुप सी का पद है, और वो भी केवल दो, एक आपका एमटीएस और एक आपका क्या जूनियर असिस्टेंट या जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का जो पोस्ट होता है उसके लिए है। कुछ पद अगर देखा जाए तो यहाँ पे यूडीसी का भी 29 पद है, ये भी काफी संख्या में है। और अगर बात किया जाए तो लेबोरेटरी अटेंडेंट का भी 45 है, ये भी ग्रुप सी में आता है। और ऐसे ही आपके जो स्टेनो या टेक्निकल असिस्टेंट है इनके भी आते हैं, हालांकि स्टेनो का 2 ही पद है, लेकिन जो आपके टेक्निकल असिस्टेंट है इनके 17 है। तो ग्रुप सी अगर आप 709 वैकेंसी में देखोगे तो 550 वैकेंसी केवल ग्रुप सी की वैकेंसी है। और इसमें जो आपकी अर्हताएं है वो भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों के इसमें जो पूरा एज है, एज एलिजिबिलिटी अप टू 32 ईयर्स ग्रुप सी के लिए है, और लेवल ए के लिए या लेवल 10 के लिए या ग्रुप ए के लिए बात किया जाए तो उसमें 50 50 साल की एज क्वालिफिकेशन है। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं बहुत कम समय में। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलने वाली है, कहां से प्रिपरेशन करें, कैसे करें। इससे पहले भी जो आपका एनटीए के थ्रू जो आपका जेएनयू का आया या फिर इग्नू का आया, सेम प्रोफाइल की पोस्ट आई, सेम एग्जाम पैटर्न था, सेम आपका स्कीम था, अभी जेएनयू की तो डेट भी आ गई। और मैं आपको बता दूं कि इसके भी जो आपके एग्जाम की डेट होगी वो आपके जुलाई में हो जाएगा, ये पेपर कंफर्म बता रहा हूं, जुलाई में आपका एग्जाम हो जाना है। जैसे जेएनयू का डेट आ गया है ऐसे ये भी क्या हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। कैसे तैयारी करनी है, कहां पे आपको मटेरियल मिलेंगे, कहां पे किताबें मिलेंगी, कहां पे आपको क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ मैं बताने वाला हूं, लेकिन बहुत धैर्य से इसको पूरा देखो। तो एक बार आप पद की संख्या देख लो, बाकी तो रजिस्ट्रार हो गए, फाइनेंस ऑफिसर हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, डिप्टी रजिस्ट्रार हो गया, इंटरनल ऑडिटर हो गया, सेक्शन ऑफिसर हो गए, इन सबके दो दो चार चार पद हैं। हालांकि ये आपके पोस्ट ग्रेजुएट या फिर एक्सपीरियंस वाले पद हैं, तो जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए ये पद नहीं होते हैं। मैं इनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आपके लिए जो ज्यादा जरूरी है उनके लिए चर्चा करूंगा। और वो कौन सा है, वो आपका एमटीएस है और ये एलडीसी है। टोटल ये 500 पद, किसकी बात किया जाए, ये जो 500 पद की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ये 500 पद आपके लिए
सबसे ज्यादा जरूरी है और इसी की आपको तैयारी करनी है। इसके लिए मैं आपको बस इतना इंसॉर्ट बता दूं कि जो एज अपर एज है वो 32 32 साल तक है जनरल के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, इसमें आपका जैसे जेएनयू का पेपर किया हुआ है ना, क्योंकि एनटीए करा रही है, एजेंसी भी सेम है, पेपर पैटर्न भी सेम है और लेवल भी सेम है, तो जैसे जेएनयू का भी पेपर आने वाला है तो इस पे हम लोग आपको मॉक भी करवा देगी, क्योंकि सेम पैटर्न पे वही एजेंसी करा रही है, तो लगभग वैसे पेपर भी बनने वाला है जिसमें आपका इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक पूछेगा। मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीएस, चार सब्जेक्ट ये आपके, टोटल 6 पोर्शन पूछता है जिसमें से मैथ्स या इंग्लिश आप चूज कर सकते हो, तो उसे आप 5 बोल सकते हो। 150 क्वेश्चन का होता है, 150 मिनट का होता है, 1/4 निगेटिव होती है। इन सब के बारे में मैं डिटेल में आपको आगे समझाता हूँ पूरा सिलेबस और पैटर्न को। वैकेंसीज अगर आप देख लो इनके बारे में, तो यहाँ पे डिटेल्स, जो सबसे बड़ी बात है कि सैलरी क्या बनेगी। तो अगर आपको थोड़ा भी पे ग्रेड या लेवल के बारे में आइडिया होगा तो लेवल 10 मतलब आप समझते होंगे कि कितना ज्यादा सैलरी बनता है। लेवल 10 पे ही यहाँ पे अगर देखो तो 5400 ग्रेड पे की नौकरी होती है। हालांकि आपको लेवल 10 से मतलब नहीं है, आपको मतलब है ग्रुप सी यानी कि लेवल 4 से मतलब है, जैसे एमटीएस हो गया, ये लेवल 2 लेवल 4 ये दोनों आते हैं। इनमें आपका 5200 से लेकर 20200 ग्रेड पे का होगा, ये जो ग्रेड पे इनका है 2400। जो एमटीएस वाले पद है वो 1900 ग्रेड पे, और जो आपका क्लरिकल वाले हैं ये आपके 2400, और जो स्टेनो वाले पद होते हैं वो 2800 ग्रेड पे के होते हैं। तो इनमें से आपकी बहुत अच्छी खासी सैलरी, अच्छा आप पिक्चर देख रहे हो, ग्रेड पे पे जो सैलरी आपका सेम है, सैलरी सेम नहीं होता, ये आपका पे बैंड होता है, पे बैंड के बाद से इनसे सैलरी क्या होती है, सब एक्युमुलेट होकर बढ़ती है, तो ग्रेड पे के अकॉर्डिंग सैलरी भी बढ़ जाती है, उसके लिए परेशान मत होइएगा, ये कभी मैं आपको इत्मीनान से समझा दूंगा। एज लिमिट आप देख लो, तो वैसे तो जो आपके एकेडमिक लेवल है या पे लेवल 12 है या पे लेवल 12 ये सब 56 साल के लिए है, पे लेवल 10 के लिए 40 साल है, पे लेवल 7-6 के लिए 35 है। लेकिन आपको ज्यादा किससे मतलब होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए पे लेवल 1, 2, 4 और 5 यानी कि ये 32 साल के लिए, सारे ग्रुप सी जो पोस्ट होते हैं सबके लिए 32 साल के लिए। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया जाए तो क्या है? ये रजिस्ट्रार वाले पद है, इनमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 15 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। जो फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है हम सीधा वहां पे आएंगे, ग्रुप सी वाले जो पोस्ट है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट, हालांकि इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगता है एज ए यूटीसी, यूडीसी वाले में क्या होता है 2 साल का एक्सपीरियंस एज ए एलडीसी मांगता है, और अगर आप एलडीसी देखोगे या जेएटी देखोगे, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जेओएटी या जेएटी इन्हें बोला जाता है, इन पद की बात करोगे तो यहाँ पे कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, फ्रेशर वैकेंसी होती है। 99 वैकेंसी इसमें है और आपके 400 वैकेंसी क्या है, 400 वैकेंसी एमटीएस में। एक चीज मैं आपको बता दूं, एक पद पे एक ही बार फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ये है कि आप एक ही बच्चा अलग अलग पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, वहां पे आपके लिए चूज करने के लिए आएगा, लेकिन अलग अलग पद का क्योंकि फीस अलग है, जैसे ग्रुप सी वाले पद की फीस जो है 900 है, तो अब अलग अलग पद के क्या होंगे, उसके अलग अलग फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी, आपका पेपर एक ही होगा, ऐसा नहीं कि पेपर अलग अलग देना पड़े। आप अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे अगर आपको देना है तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप एमटीएस का भी भरिए, और आप किसका भरिए, आप जेओएटी, और किसका भरिए, जो आपका जूनियर असिस्टेंट का है या एलडीसी जिसे आप बोल लो, इन दोनों के लिए 1800 रुपए आपका फॉर्म आएगा। जनरल कैटेगरी के लिए आप इन दोनों के लिए ही अप्लाई करो, क्योंकि सेम पेपर होगा, सेम पैटर्न पे होगा, जेएनयू वाले पैटर्न पे होने जा रहा है, आपको इसका पैटर्न भी पता चल जाएगा, जेएनयू वाले बच्चों के लिए चल नया है, लेकिन इस बार जो आपका ये वाला पेपर होगा इनके लिए नया नहीं रहेगा, तो आपके लिए थोड़ा तैयारी में सुविधाजनक हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इन दोनों का फॉर्म भर देना। जो एलडीसी है उसमें आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो तो होगा, उसके बाद उसमें स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट आपका इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट का मांगेगा, इसमें हिंदी नहीं मांगा है, टाइपिंग ध्यान दीजिएगा, करेस्पॉन्डिंग टू 10500 की डिप्रेशन पर आवर, जिसमें 5 के डिप्रेशन एक वर्ग के लिए मानते हैं। दूसरी बात, इसमें प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, एक आपका क्या होगा, कंप्यूटर संबंधित टेस्ट होगा, टाइपिंग आपकी अलग होगी, कंप्यूटर संबंधित टेस्ट होगा जिसमें आपके कंप्यूटर जैसे एमएस ऑफिस हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी ये तो नहीं डिस्क्लोज किया कि कितने प्रश्न होंगे, लेकिन 40 से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे। आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अगर कोई बच्चा केवीएस के जैसे जेएसके की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसमें सीपीटी का पेपर होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, 50 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो मैं अगर आप यहाँ पे जुड़ते हो तो मैं आपको समझा दूंगा कि ये सीपीटी कैसे तैयार करना है, ये थोड़ा ज्यादा जरूरी है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सिलेक्शन विल बी थ्रू रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट इन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एमएस ऑफिस, पर्टिकुलरली इन एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, ईटीसी। मतलब ऐसा नहीं कि सीपीटी के लिए आपको बहुत अलग से मेहनत करनी है, इसमें आपको केवल एमएस ऑफिस, किसके लिए, एमएस ऑफिस के लिए तैयारी करनी है,
और ये आपको आशीष सर बहुत विधिवत तरीके से कवर करवा देंगे, क्योंकि अभी केवीएस सीपीटी में वो पढ़ा ही रहे हैं, है ना, इसमें भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवा देंगे। तो कंप्यूटर के लिए बिल्कुल चिंता छोड़ दो, बाकी सारी चीजें जो आपके रिटन टेस्ट है उसके लिए तो मैं हूं ही, हम लोग हैं ही, तो पूरी टीम मिलकर, है ना, आपको उसमें अभी ऐसा नहीं है कि आपको आशीष सर सीपीटी पढ़ाएंगे, रीजनिंग में भी वहां पे बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, कंप्यूटर आपका रिटन टेस्ट में पूछ रहेगा वहां पे भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, तो सब कुछ आपका यहाँ पे कवर होगा। बहुत विधिवत टीम के साथ हम लोग इस कोर्स को यहाँ पे आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले आप जरूरी है कि सारी चीजें समझ लो कि हमें कैसे देना है। एमटीएस के लिए क्या है एलिजिबिलिटी, यहाँ पे तो ग्रेजुएशन ही, यहाँ पे केवल 10th पास होना चाहिए या फिर आईटीआई होना चाहिए। और इसमें क्या है, इसमें भी रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट वही होगा, बाकी क्या होगा इसमें ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा। अब ये वो डिसाइड बाद में करेंगे कैसा, हालांकि इसमें ट्रेड टेस्ट होता है, सिंपल से आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है, लेकिन इसमें भी स्किल टेस्ट, इसमें भी जो आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट है दोनों क्वालिफाइंग नेचर है, जिसमें 40% मार्क्स आपको लाके क्या करना है, क्वालिफाई करना है, ये बात आप समझिएगा। 35% 40% एक बार मैं उसे देख लूंगा क्या है, पिछली बार 40 था, इस बार मैं देखता हूं क्या है, तो ये 40% मान के चलिए अभी क्या हो जाएगा आपको, ये क्वालिफाइंग नेचर है और वो आ जाता है बच्चों का, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, 5% इसमें एरर भी अलाउ होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ये अलग अलग बाकी पद के लिए है, तो इन पद के लिए मैं, ये लाइब्रेरी असिस्टेंट वाले पद है, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है, इस पद के लिए भी आप भर सकते हो, यहाँ पे भी अच्छी खासी वैकेंसी बहुत ज्यादा तो नहीं, बट यहाँ पे भी पद है, ठीक है। लाइब्रेरी असिस्टेंट में भी बैचलर डिग्री, इसमें बस ये है लाइब्रेरी साइंस वाले या लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं एलिजिबल है, इनमें स्पेशल थोड़ा डिग्री हो जाता है, अगर आपके पास लाइब्रेरी की डिग्री है तो ये आप जरूर भर देना, बाकी कंप्यूटर ऑफ नॉलेज एप्लीकेशन तो होना चाहिए, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पे ये भी होगा। लाइब्रेरी अटेंडेंट में इसमें 10+2 होना चाहिए, इसका लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो आज के समय में कंप्यूटर तो किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, इसलिए मैं आपको बोलता रहता हूँ कि कंप्यूटर की तैयारी बहुत विधिवत आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें कुछ टेक्निकल पद भी है, हम अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे, इसको मैं बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है। एक बार आप स्टेनो वालों का देख लीजिएगा, अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं, हालांकि पद दो ही है, लेकिन उसमें जो आपका स्टेनो है वो आपके 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, 120 वर्ड पर मिनट की आपकी इंग्लिश के हिसाब से आना चाहिए, वैसे 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपका ये स्टेनोग्राफर वाला है। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का इसका भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इसका सिलेबस वगैरह क्या है इसके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। ये जनरल टर्म एंड कंडीशन है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम परीक्षा प्लस टेलीग्राम चैनल पे ही, वहां से आप देख लीजिएगा, या मैं कभी आके इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा फॉर्म कैसे भरना है, क्या दिक्कत आ रही है। ये ग्रुप और एप्लीकेशन फी अलग अलग है, तो ग्रुप ए सारे अलग है, ग्रुप ए लेवल 12 अलग है, ग्रुप बी अलग है, ग्रुप सी अलग है, ग्रुप सी वाले के लिए 950 है, एससी एसटी के लिए 225 ही है, और वुमेन और पीडब्ल्यूडी के लिए कितना है, 0 है, इनके लिए जो महिलाएं हैं उनके लिए फ्री कर दिया गया है, तो इस कारण से काफी ज्यादा संख्या में इसमें फॉर्म अप्लाई भी होंगे। मैं बता दूं लगभग 8 से 10 लाख फॉर्म इसमें आ सकते हैं, इस बात को दिमाग में अभी रखिएगा। अच्छा, जो स्किल टेस्ट होंगे उसमें 1:15 के रेशियो में किए जाएंगे, ये अलग अलग 70-30% रेशियो से आप कंफ्यूज मत होइएगा, जहां पे जैसे ग्रुप सी वाले पोस्ट है उनका जो मेरिट बनेगा वो केवल केवल रिटन टेस्ट के आधार पे बनेगा, मतलब जो आपका सीबीटी पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, 150 क्वेश्चन को होगा, उसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा, वहां पे 30% का नहीं लगेगा। कुछ ऐसे पद है जैसे आपके क्या है ग्रुप ए वाले हैं, ग्रुप बी वाले, क्योंकि उसमें इंटरव्यू या पेपर टू भी है, तो वो पेपर वन पेपर टू का 70% और इंटरव्यू और उन सब पद के जो 100 नंबर का होगा उसके लिए 30% अलग से इवेल्युएट होगा, इस कारण से वो बंद लिखा गया है। बाकी जो आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो, मतलब आप एमटीएस की कर रहे हो या लाइब्रेरी अटेंडेंट की कर रहे हो या फिर आप किसी कर रहे हो जेओएटी की कर रहे हो, ठीक है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का कर रहे हो, तो इन सब के लिए आपका क्या है, इन सब के लिए केवल आपका जो सीबीटी वाला पेपर होगा उसी के आधार पर मार्क्स आपका कैलकुलेट होगा, आपका स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, परेशान मत होइएगा और ना ही कंफ्यूज होइएगा। मैं सारी इन्फॉर्मेशन कोशिश कर रहा हूँ कि इसी वीडियो में दे दूं, फिर भी कुछ रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। पेपर एनटीए कराएगा, उसका भी प्रूफ यहाँ पे, एक तो एनटीए वेबसाइट है, दूसरी आप एनटीए की वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट वाले पेज पे जाओगे तो ये आपको देखने को मिलेगा, और 16 मई इसकी लास्ट डेट है, तो फॉर्म अप्लाई लास्ट टाइम के लिए मत छोड़ो, शुरू में ही वेबसाइट इतना स्लो चल रही है तो बाद में हो सकता है और स्लो चले, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे और दे देता हूँ, जैसे सिलेबस से संबंधित की इसमें सिलेबस क्या होगा, ठीक है, सिलेबस वगैरह क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको देता हूं कि क्या आपका पैटर्न क्या है। आइए,
पैटर्न एक बार देख लेते हैं, सिलेबस एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग अभी ग्रुप सी की पद की बात करेंगे। वैसे जो पेपर वन है वो सभी के लिए कॉमन है, फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव नॉन टीचिंग लाइब्रेरी कैडर पोस्ट, सभी के लिए कॉमन है। और ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो पैटर्न भी है बच्चों, ये पैटर्न कौन सा है, 30 क्वेश्चन आपका जीएस पूछेगा, रीजनिंग का आपका 35 क्वेश्चन, मैथ्स आपका 35 क्वेश्चन। तो मैथ्स और रीजनिंग वाले बच्चे जो हैं उनके लिए थोड़ा अच्छा है, 70 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन क्या होगा, दो नंबर का होगा, 1/4 निगेटिव होगा, 0.5 मार्किंग होगी और 2 आवर्स का पेपर होगा। ठीक है, 150 बोल दिया था, 120 मिनट का पेपर है, इस चीज को ध्यान देना, 2 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन 300 मिनट का है। जनरल अवेयरनेस के केवल 30 होंगे और सबसे अच्छी बात है कि इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हो, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य से हो, तो इंग्लिश बढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, इंग्लिश में नंबर कम हो जाता है। अगर आप कहीं ऐसे से हो जहां पर आपकी हिंदी कमजोर है, इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो आप इंग्लिश से भर दो, तो वो आपके लिए ये वाला सेक्शन तो आपके लिए पॉजिटिव ही है। इसकी मैं एक अलग से स्ट्रेटजी भी बना दूंगा कि हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है। ये आपके लिए पॉजिटिव नंबर है, आपको मेहनत केवल मैथ्स और रीजनिंग में करना है। और जो बच्चे एकदम निशुल्क में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 11 बजे सुबह मैं प्रतिदिन मैथ्स की स्पेशल क्लास इन सबके लिए प्रैक्टिस के रूप में और कॉन्सेप्ट के रूप में मिक्स लेके चल रहा हूं। अगर आप कोर्स नहीं जुड़ पाते हो, फ्री पढ़ना चाहते हो, तो सुबह 11 बजे डेली बेसिस पे आप मेरी क्लास में, खुद मैथ्स पढ़ा रहा हूं, बहुत विधिवत आपको समझ में आएगा, बिल्कुल 0 to 0 लेवल पढ़ा रहा हूं, और आपके इस एग्जाम के पहले पहले पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट भी कर दूंगा, तो वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कर सकते हो। बाकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी जो फ्री वाली क्लास है, मैं आपको बता दूं कि रोज 10 AM पे आपकी जनरल अवेयरनेस की फ्री क्लास चलती है, लेकिन इसमें वोकैब और स्टैटिक पार्ट, आप वोकैब कह रहा हूं, इसमें स्टैटिक पार्ट और आपका कौन सा करंट अफेयर्स, वो पार्ट कवर किया जा रहा है 10 AM पे, वो कवर कर सकते हो। तो 10 बजे और 11 बजे की क्लास करोगे तो लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कंप्यूटर के लिए वन एंड ओनली वन मैं आपको बोलूंगा कि आशीष सर बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं, हर एग्जाम में जो बच्चा उनसे कंप्यूटर पढ़ा है रिकॉर्ड ले लिया। अगर आप पढ़े होगे आशीष सर से तो कमेंट बॉक्स में खुद ही बता दो जो पुराने बच्चे, ताकि जो नए बच्चे इस वीडियो को देखें तो वहां पे उन्हें आइडिया लग जाए कि हाँ भाई कितना क्वालिटेटिव वे में चीजें यहाँ पे चल रही है। तो ये आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, एक बार सिलेबस देख ली तो अच्छी बात यह है कि इसका सिलेबस हल्का है। जैसे अगर आप जीएस की बात करोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इट्स रिलेवेंस सोसाइटी, ये सब इतनी बातें लिखा है। मैं आपको बता दूं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स, बस ये आपका हो गया। साइंस का इसमें क्या होगा, साइंस थोड़ा सा आपसे पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक के ज्यादा पोर्शन के क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स और स्टैटिक के 12 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, 12 से 15, मतलब 40-50% क्वेश्चन केवल करंट और स्टैटिक के होंगे, तो आपको ज्यादा वो तैयार करना है। रीजनिंग के लिए ज्यादा सिलेबस नहीं है, मैथ्स में भी जनरल मैथ्स है, मतलब अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ लो, अरिथमेटिक पढ़ लो और मेंसुरेशन पढ़ लो, ज्योमेट्री पढ़ने की बात नहीं है, आप यहाँ पे देख लो केवल मेंसुरेशन लिखा हुआ है, ज्योमेट्री मतलब एडवांस कोई पोर्शन नहीं है, केवल नंबर सिस्टम का बेसिक, एलसीएम एससीएफ हो गया, डेसिमल और फ्रैक्शन हो गया, सिंप्लीफिकेशन। जब नंबर सिस्टम की बेसिक आए तो मतलब आपका सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम एससीएफ दो टॉपिक होता है बस, इससे ज्यादा आपका नहीं होता। और उसके बाद अरिथमेटिक में आपका रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पेस डिस्टेंस, इससे ज्यादा कोई चैप्टर नहीं होता एवरेज। और आपका क्या हो जाता है, एक बार जो ये पाई चार्ट और ये होते हैं टेबल एंड ग्राफ्स हो जाता है और आपका मेंसुरेशन हो जाता है, ये आपका मैथ्स है। इंग्लिश और हिंदी में वो आपका वोकैब ज्यादा बेस पूछेगा। कंप्यूटर में आप देख लो कि कंप्यूटर फंडामेंटल, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट एंड सिक्योरिटी और नेटवर्किंग, ये सारी ही चीज आपका कंप्यूटर में पूछेगा। तो कंप्यूटर भी अच्छा खासा यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कम नहीं पूछा जा रहा है कंप्यूटर, क्योंकि आपका सीपीटी भी कराएगा और सारे पद के लिए कराएगा, इस कारण से आपको कंप्यूटर भी पढ़ना यहाँ पे जरूरी है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बच्चों बता दूं, ठीक है, इन शॉर्ट अगर बता दूं, ये देखो इन शॉर्ट बता दूं तो आपको बहुत विधिवत तरीके से इसमें तैयारी आपको करना क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको एज लिख दूं कि एज एलिजिबिलिटी क्या है, मैं सारे ग्रुप सी पद के लिए लिख रहा हूं, किसके लिए लिख रहा हूं, ग्रुप सी पद के लिए यहां पे लिख रहा हूं, तो ग्रुप सी वाले सारे ध्यान देना। एज आपकी क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम 32 है, ठीक है, एज मैक्सिमम 32 है। यहाँ पे बैचलर, कुछ में बैचलर डिग्री मांगा हुआ है, मतलब कि डिग्री हुआ आपके पास ग्रेजुएशन, इसे मैं क्या लिख दूं, एक कुछ में आपका ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। एमटीएस वगैरह में आपका क्या मांगा हुआ है, एमटीएस वगैरह में केवल 10th मांगा हुआ है, और एक दो पद के लिए केवल क्या मांगा हुआ है, 12th भी मांगा हुआ है, तो अलग अलग है, बट अगर आप ग्रेजुएशन हो तो आप भर सकते हो, तीनों ही भर सकते हो, ये आप समझते हुए चलना। आपका एग्जाम सिलेबस और जो पैटर्न है वो मैं आपको बता दूं, जीएस है आपका, उसके बाद मैथ्स है आपका, उसके बाद आपका रीजनिंग है,
ठीक है। इसके बाद आपका इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक है, और उसके बाद आपका कंप्यूटर है। ये आपका 30 क्वेश्चन है, ये आपका 35 क्वेश्चन है, ये भी आपका 35 क्वेश्चन है, ये आपका 30 क्वेश्चन है, और ये आपका 20 क्वेश्चन है। टोटल ऐसे 150 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे, और ये कितने नंबर का होगा? 300 नंबर का होगा। टू आर इसका क्या होगा? पेपर होगा। ये आपका इसमें टीयर वन एक पेपर होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में जैसे आपका मैं बात करूं तो जो आपके LDC है उसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको इंग्लिश का 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट किसके लिए? ये आपके लिए LDC के लिए, ठीक है। MTS के लिए भी आपका लगभग ऐसे ही, और ये यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा MTS के लिए, और बाकी जो पद है उस हिसाब से आपके छोटे छोटे हैं, तो वो आपको डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो आपको ये इंस्टॉल तैयारी करनी, कहां से तैयारी आपको करनी है? तो टीम परीक्षा पर बहुत विधिवत इसका कोर्स, मैं बच्चों को बताऊंगा कि जो बच्चे JMU वाला कोर्स लिए थे या जो बच्चे इग्नू वाला कोर्स लिए, वो दोबारा कोर्स मत खरीदना बच्चों, क्योंकि सारी ही चीजें आपकी विधिवत वैसी ही हैं। ये मैं एक उस कोर्स को कंबाइन कोर्स कर दूंगा कि आप इग्नू की भी तैयारी कर लो, आप JMU की भी तैयारी कर लो, आप इसकी भी तैयारी कर लो, क्योंकि तीनों ही पेपर NTA बना रहे हो, तीनों में ही लगभग सेम है। अगर आप JMU और इसका देख लोगे तो ये तो बिल्कुल सेम है, अगर आप थोड़ा सा इग्नू वाला देखोगे तो उसमें से 30-30-30-30 का पैटर्न है, पूछ उसमें भी 150 क्वेश्चन रहा है, बस उसमें क्या है, मैथ्स रीजनिंग के 5-5 क्वेश्चन कम पूछ रहा है, वो कंप्यूटर में बढ़ा दिया है, मतलब इग्नू वालों को कंप्यूटर ज्यादा चाहिए, बस वही 10 क्वेश्चन वहां से उठा के 10 क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया, 5 मैथ से उठा के 5 रीजनिंग से उठा के वो 10 क्वेश्चन उठा के किस में रख दिया? कंप्यूटर में रख दिया। तो ये तीनों ही कोर्स एक तरह से डिजाइन है, तीनों एक ही एजेंसी करा रही है, एक ही पैटर्न पे करा रही है, एक ही टाइम ड्यूरेशन में करा रही है, और आगे पीछे ही करा रही है, तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे इन तीनों में से कोई भी कोर्स नहीं लेंगे, मैं उनको बोलूंगा कि आप इग्नू वाला या फिर जो आपका ये आप आएगा उसी के आगे मैं स्लैश करके कोर्स का नाम चेंज कर दूंगा, तो दोनों कोर्स एक ही कर दूंगा, इग्नू वाला ही कोर्स आपका है, या फिर आप ये कौन सा बोल सकते हो कि विश्व भारती के नाम से जो कोर्स आपको दिखेगा वो। कहां से लेना है? टीम परीक्षा प्लस ऐप से आप जोड़ सकते हो, बहुत मिनिमम फीस में है। इसके अतिरिक्त अगर आप फिर भी लगता है कि फीस नहीं सबमिट कर सकते हो तो कोई बात नहीं, निशुल्क क्लासेस जो आपकी चल रही है वहां से कवर करते रहो, फायदा आपको वहां से मिल जाएगा। पेड क्लास में बस क्या होता है कि हमारी अतिरिक्त थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, नोट्स वगैरह आपको प्रॉपर मिल जाते हैं और हम गाइडेंस अच्छा दे देते हैं, बाकी सब चीजें आपको क्यू वाइज लाइन में मिल जाती है, यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ता है। बाकी मेहनत में या ईमानदारी में या पढ़ाने में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इस बात को मैं बोलूंगा। ऐसा है, अगर आप थोड़ा सा वो चाहते हो सुविधा तो जुड़ो, वरना फ्री में भी आप कवर कर सकते हो, दैट्स इट, पैसा ही सब कुछ नहीं है, इस बात को समझिएगा। इसके अतिरिक्त बच्चों को मुझसे कोई जानकारी आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। चैनल पे अगर नया हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।